Good evening, Ahmed. Good evening. Thank you so much. कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? जी, पहले से काफी बेहतर है। शुक्र है हॉस्पिटल करीब था, वरना ब्लड ज्यादा बह जाता। जी, आपने काफी हिम्मत की कि आप मुझे यहाँ लेकर आ गए, लेकिन अब मैं ठीक हो चुका हूँ। आप क्यों तकलीफ करती हैं बार बार यहाँ पर आने? तुम मेरे लिए अपनी जान दांव पे लगा सकते हो, मैं तुम्हें पूछने भी नहीं आ सकती। मगर फायदा क्या होगा? आपकी चीजें तो चली गई। चीजें तो आती जाती रहती हैं, जिंदगी कीमती होती है। खुदा न खास्ता इस मामले में तुम्हारी जान भी जा सकती थी। वैसे तुम्हें इस मामले में कूदना नहीं चाहिए था, ये बड़ी बेवकूफ़ी की तुमने। एनीवे, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ। तुम्हारे अपनों से कोई मिलने नहीं आया तुम्हें क्या? असल में मेरा कोई अपना यहाँ पर है नहीं, एक भाई है यहाँ पर खाली। भाई को तुमने इतना नहीं दी क्या? नहीं, मैं उन्हें बताना नहीं चाहता। वजह? बस है एक वजह। दरअसल वो भाई को पता नहीं है कि मैं यहाँ शहर में, बल्कि घर में किसी को भी नहीं पता, और मैं किसी को बताना भी नहीं चाहता। कोई खास वजह? माफ कीजिएगा, मैं आपको भी नहीं बता सकता। As you wish. मेरी डॉक्टर से बात हुई है, वो तुम्हें 2 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे। ऐसे ये मेरा कार्ड है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करके बता देना, ठीक है? जी बेटा। गुड लक एंड गुड बाय। मामा, मामा वो अली गांव क्यों गया है? घर वालों से मिलने। क्यों, तुम क्यों उसके लिए इतना परेशान हो रही हो? मैं उसके लिए परेशान क्यों होंगी? तो फिर बार बार क्यों पूछ रही हो उसका? पहले तो तुमने उसके आने जाने का भी कभी नोटिस नहीं लिया। अच्छा बाबा, गलती हो गई, माफ कर दें। मैं तो ऐसे ही कह रही थी, मुझे अच्छा लगा। अच्छा अब ये भी बता दीजिए कि वो कब तक आ जाएगा? 2-3 दिन में। 2-3 दिन में? मेरा मतलब है 2-3 दिन कम नहीं है, उसे एटलीस्ट 2-3 महीने तो रहना चाहिए ना अपने खानदान वालों के साथ। अरे ऑफिस की देखभाल कौन करेगा? डैडी है ना, और वैसे भी उन्हें अली पर इतना डिपेंड नहीं करना चाहिए। खैर, डैडी जाने उनका काम। आपकी चाय बन गई है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तुम लोग स्कूल नहीं जाती? आज आपके आने की खुशी में छुट्टी की है। अरे वाह। अच्छा भाई, इतने दिन हो गए पर आज भी नहीं खाया मैंने। मैं अपने आप को बहुत मुश्किल में महसूस कर रही हूँ खावर। खावर? क्या हुआ?
कहाँ हो तुम? तुम मेरी बात नहीं सुन रहे? जब तुम सामने होती हो तो कुछ सुनाई नहीं देती। कहो तो आंखें बंद कर लूं? अच्छा, इतनी फिल्मी बातें करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ बोलो। तो मैंने अली से शादी की बात की थी, हलाला की। तो क्या कहा उसने? कुछ नहीं, चला गया वो बगैर कुछ कहे। चला गया? कहाँ चला गया? गांव, अपने माँ बाप के पास। हमेशा के लिए? नहीं, 3-4 दिनों के लिए आई थिंक। तुमने तो डरा ही दिया मुझे। इसमें परेशानी की क्या बात है? आ जाएगा तो बात कर लेना। मैं इतना लंबा कैसे इंतजार करूँ खावर? और अगर उसने ना कह दिया तो? वैसे वो मना करेगा नहीं। फर्ज करो। क्यों फर्ज करूँ? मुझे यकीन है वो मना नहीं करेगा। तो तुम्हें किस बेसिस पर इतना यकीन है? मुझे तो कोई यकीन नहीं है। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अली नहीं हुआ तो कोई और। वो मैं बेदी के रिश्ते के बारे में बता रही थी। लड़का अच्छा है, मैट्रिक पास है, कमा भी लेता है और शक्ल सूरत का भी अच्छा है। अच्छा, चले ठीक है, फिर बात पक्की कर देते हैं। बेदी मैट्रिक कर ले, उसके बाद देखेंगे। अभी भी करनी है और 2 साल बाद भी करनी है, और फिर आगे भी तो 2 खड़ी हैं। अम्मा, कौन सी लड़कियों की उम्र निकली जा रही है? बेदी बमुश्किल 15 साल की हुई है, 2-4 साल तो रहने दें। पर लड़के वाले तो 2 महीने भी इंतजार नहीं करेंगे। अम्मा, जरूरी है कि उसी घर में शादी की जाए बेदी की? अच्छा, अगर तुम अभी नहीं चाहते तो मैं मना कर देती हूँ। मैं तो इसलिए कह रही थी कि तुम अकेले सारे घर को देखने वाले हो, इस तरह तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। नहीं अम्मा, बहनें बोझ नहीं होती। बोझ तो वो लड़कियां होती जिन्हें ना अपनी इज्जत और ख्याल हो ना माँ बाप की। आप बेफिक्र हो जाएं बस। बेदी? जी। तुम स्कूल जाती हो? अब नहीं जाती। क्यों? अम्मा कहती हैं कि आठवीं पास कर ली तो बस काफी है। तुम कल से स्कूल जाना शुरू कर दो। पर अम्मा। अरे अम्मा को मैं समझा दूंगा, तुम बस स्कूल जाओ। सच भाई? और ये दोनों छोटियाँ, ये पढ़ती हैं या बातें करती रहती हैं? बातें भी करती हैं, पढ़ती भी हैं और लड़ती भी हैं। अच्छा, वैसे ये लड़ने वाला काम ठीक नहीं है। लड़ती किस बात पे? घर के कामों पर। इसका मतलब काम चोर है। खाना तुमने बनाया था? नहीं अम्मा ने। वैसे तो मैं बना लेती हूँ पर इतना अच्छा नहीं, और मेरे हाथ का खाना आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं अच्छा लगेगा भाई? इतना जबरदस्त पराठा खिलाया, सुबह चाय पिलाई। हाँ, वो तो चाय थी ना। अरे भाई, असल चीज चाय होती है, जो चाय अच्छी बनाता है उसके हाथ में जायका है। चलो शाबाश, तुम बर्तन धो लो, फिर इसी बहाने में चाय पिला देना। से शादी करोगे? तुम सोचना चाहते हो? हालांकि इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सोचा तो वहां जाता है जहां सूद और ज़या का अंदेशा हो।
तुम्हारा क्या जाएगा? पुरानी चीजों की तो कोई अहमियत ही नहीं है, मगर सिर्फ यू फोन की वो पुरानी